भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के निशाने पर आगामी यूपी विधानसभा चुनाव है। टिकैत किसानों को बीजेपी और योगी सरकार के खिलाफ भड़काकर किसान आंदोलन के बहाने राजनीति में एंट्री लेने की फिराक में है। हाल के दिनों में जिस तरह से टिकैत और कांग्रेस का साठगांठ सामने आया है, इससे यही लग रहा है किसान आंदोलन तो बहाना है, टिकैत को राजनीति में आना है। लेकिन टिकैत के मंसूबों पर अब पानी फिरता दिख रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक ही दाव से टिकैत चारों खाने चित हो गए हैं। टिकैत किसानों को बीजेपी के खिलाफ लामबंद कर रहे थे कि योगी ने किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की है और एक ही मुलाकात से किसान कृषि कानून के समर्थन में खड़े हो गए हैं। योगी ने किसान नेताओं से मुलाकात में साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा किसानों को ध्यान में रखकर नीतियां बनाई हैं। उनके नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि कानूनों का लाभ किसानों को मिलेगा। प्रदेश सरकार किसानों के हितों से जुड़े कार्यक्रमों और योजनाओं को पूरी गंभीरता से लागू कर रही है। योगी की बातों से किसान बेहद प्रभावित हुए हैं। किसान प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि कानून किसान हितैषी हैं। ये कानून किसानों को सशक्त करने का प्रयास है। इन कानूनों का सबसे ज्यादा लाभ छोटे और सीमांत किसानों को मिलेगा, इसलिए वो इन कानूनों का समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण के लिए गंभीरता से प्रयास किए जा रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल ने ये भी कहा है कि कुछ किसान संगठन किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं और उनकी वजह से ही ये आंदोलन चल रहा है। दरअसल जो किसान सीएम योगी से मिलने पहुंचे थे, वो सभी पश्चिम यूपी से ताल्लुक रखते हैं और किसान आंदोलन में पश्चिम यूपी के किसान भी शामिल हैं। ऐसे में किसानों का मोदी सरकार को समर्थन देना जहां केंद्र सरकार के लिए बड़ी कामयाबी है, वहीं राकेश टिकैत और कांग्रेस के लिए किसी झटके से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।